आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरयू की शपथ, मोदी की जल क्रांति की। आज यूपी को बहुत बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ की इस सौगात से 9 जिले यानी कि लगभग 25 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में यूपी को एक के बाद एक बड़ी सौगातें लगातार मिल रही है, जिनमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी शामिल है। बलरामपुर में बहराइच रोड पर मौजूद हंसवा डोल गांव के पास ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम की जनसभा के लिए मंच भी यहां पर तैयार है। पीएम के कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों वाहनों की व्यवस्था है। अब आपको हम बताते हैं कि क्या है सरयू नहर परियोजना, जिसका लोकार्पण आज करने वाले हैं पीएम। आगे बढ़ते हैं। 9,803 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार हुई है और इस परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? वो भी आपको बताते हैं। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी को इससे जोड़ा गया है। सरयू नहर परियोजना की कुल लंबाई 318 किलोमीटर है। जो नहरें निकाली गई उनकी कुल लंबाई करीब 6600 किलोमीटर है और ये खासियत भी है, कहा यह जा रहा है कि 9 जिलों के जो किसान हैं, तकरीबन 25 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। परियोजना से किसान कैसे लाभान्वित होंगे, किसे लाभ मिलेगा वो भी जान लीजिए। सिंचाई क्षेत्र में अवध और पूर्वांचल के लिए लाभकारी योजना ये है। अवध और पूर्वांचल के 9 जिलों को सरयू नहर परियोजना से फायदा पहुंचेगा। वो 9 जिले कौन कौन से होंगे वो भी आप देखिए। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर को फायदा इससे पहुंचेगा। गोरखपुर भी है, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर को भी इसका फायदा होगा। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि करीब 25 लाख किसानों को सीधा फायदा इस परियोजना का मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव यह है। सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम, ये अखिलेश यादव का कहना है। उनका ट्वीट है, ट्वीट उन्होंने लिख किया है कि समाजवादी पार्टी के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिया। अब देखिए ये तंज कस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो काम पहले हो चुका था आधा, उसको पूर्ण करने में भाजपा सरकार ने 5 साल का वक्त लगा दिया। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने है, हैशटैग सपा का काम जनता के नाम। अब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, वो भी आपको बताते हैं, जिसके जवाब में अखिलेश ने ये ट्वीट किया है। अब पीएम का ट्वीट क्या था वो भी आप जानिए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दशकों तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे इसकी लागत भी बढ़ती गई, लोगों की चिंता भी। जो प्रोजेक्ट 4 दशकों तक अधूरा रहा वो 4 साल में पूरा हो गया है, ये उपलब्धि के तौर पर पीएम बता रहे हैं।